हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट मैनेजमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ओके, सो आज के इस वीडियो के अंदर हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड एचआरएम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। और अगर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स परचेस करना है फॉर दिसंबर 2019 तो वो भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, डेल्फी टेक्निक इज यूज्ड इन। सो डेल्फी टेक्निक कहाँ पे यूज की जाती है, तो आपके पास ऑप्शंस गिवन है ऑर्गेनाइजिंग, ऑपरेटिंग, स्टाफिंग एंड फॉरकास्टिंग। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा फॉरकास्टिंग। ऐसा क्यों होगा, देखिए डेल्फी टेक्निक होती क्या है। देखिए जो डेल्फी टेक्निक होती है ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज की जाती है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग में। ओके, अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्यों की जाती है, अगर कोई भी प्लानिंग करना हो। ओके, प्लानिंग करने के लिए तो आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग करेंगे, और प्लानिंग किससे रिलेट करता है, फॉरकास्टिंग से। ओके, सो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्रेड यूनियन का करेक्टर नहीं है। देखिए आपके पास ऑप्शंस गिवन है, इज एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज और इंडिपेंडेंट वर्कर्स। सो यस, ये देखिए ये जो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज एंड इंडिपेंडेंट वर्कर्स का एक एसोसिएशन होता है, सो ये करेक्ट है आपका। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है, इज एन परमानेंट कॉम्बिनेशन बट नॉट अ टेम्परेरी और कैजुअल। सो यस, ये एक परमानेंट कॉम्बिनेशन होता है ऑफ द एम्प्लॉयज, सो ये एक ट्रेड यूनियन फॉर्म करते हैं। ओके, नाउ थर्ड कह रहा है, इज एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इन नॉट सिक्योरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द मेंबर्स। ओके, सो यहाँ बोल रहा है जो ये एसोसिएशन होता है ये बेसिकली अपने वर्कर्स के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट सिक्योर नहीं करता है, सो दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज ट्रेड यूनियन फॉर्म होता है अपने मेंबर्स के इकोनॉमिक बेनिफिट को सिक्योर करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं हम, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेंबर ऑफ आइडियोलॉजीज। सो देखिए इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी आइडियोलॉजीज मैच करनी चाहिए एक दूसरे के साथ, तभी एक ट्रेड यूनियन रन कर सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग। अब देखिए इसके अंदर आपको कुछ थ्योरिस्ट के नाम गिवन है और आपको उनके बताने कि उनकी कौन कौन सी थ्योरी थी। सो देखिए आपके पास चार ऑप्शंस गिवन है, सो इनको मैच करते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सो देखिए मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे याद किया था। देखिए जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो है विक्टर ब्रूम की। कैसे, देखिए इसका नाम ऐसे याद कर सकते हैं आप, विक्टर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ओके, विक्टर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ओके, तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं, आप इसके नाम के आगे उनकी थ्योरी को लगा सकते हैं। अब देखिए जो ईआरजी थ्योरी थी ये किसने दी थी, एल्डफर ने। ओके, तो एल्डफर ईआरजी थ्योरी आप याद रख सकते हैं, ईआरजी थ्योरी। ओके, तो आप इसको ऐसे याद रखिए, एल्डफर ईआरजी थ्योरी, तो आप इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से, तो आपका बी का होगा थर्ड। चलिए सी का देखते हैं, एडम्स इक्विटी थ्योरी। अब देखिए एडम्स इक्विटी थ्योरी यहाँ पे है, इक्विटी थ्योरी। ओके, सो यहाँ पे थर्ड का होगा फर्स्ट, और फोर्थ का तो ऑब्वियसली सेकेंड ही होगा। ओके, सो इस तरीके से हम देखें तो इसका आंसर वो कर सकते हैं। चलिए इसके अंदर मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्टली मैच कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राईपैट्रिएट बॉडीज। सो देखिए आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सी ट्राईपैट्रिएट बॉडी है। सो देखिए कोई भी वर्किंग कमिटी की बॉडीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, सबसे पहली होती है आपकी बाईपैट्रिएट बॉडी, बाईपैट्रिएट बॉडी, सेकंड होती है आपकी ट्राईपैट्रिएट बॉडी। ओके, सो दो टाइप की बॉडी होती है आपकी। अब देखिए जो बाईपैट्रिएट बॉडी है इसके अंदर दो लोग होते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, दैट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, ठीक है। और जो ट्राईपैट्रिएट बॉडी है इसके अंदर कौन होता है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज के साथ क्या ऐड हो जाते हैं, गवर्नमेंट भी ऐड हो जाती है आपकी, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर से कौन कौन सी ट्राईपैट्रिएट बॉडीज है। सो देखिए जो आपका इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है ये एक ट्राईपैट्रिएट बॉडी है। ओके, ट्राईपैट्रिएट का मतलब क्या है, इसके अंदर एक मेंबर गवर्नमेंट का भी होता है,
सेम विथ वेज बोर्ड, वेज बोर्ड के अंदर भी गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, ओके। स्टैंडिंग लेबर कमिटी, इसके अंदर भी गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं, ओके। सो आपका आंसर होगा ए बी एंड सी। देखिए जो आपकी वर्क कमिटी होती है इसके अंदर गवर्नमेंट के मेंबर्स नहीं होते हैं, तो ये आपकी एक बाईपैट्रिएट बॉडी होती है, ओके। सो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे, दैट इज ए बी एंड सी जो है आपके ये ट्राईपैट्रिएट बॉडीज हैं और जो आपकी वर्क कमिटी है दैट इज बाईपैट्रिएट बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, द थ्योरी दैट कैटेगराइज नीड्स बींग कंसर्न विद सर्वाइवल रिलेशनशिप एंड डिजायर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, ओके। सो देखिए यहाँ पे इन्होंने नीड्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। नीड को किस में पार्ट में डिवाइड किया है, तीन पार्ट्स में। तो पहला है आपका सर्वाइवल, सेकेंड है आपका रिलेशनशिप, ओके, और थर्ड है आपका पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, ओके। सो ये किसने डेवलप किया था, ये कौन सी थ्योरी आपको एक्सप्लेन करती है? सो देखिए इसको एक्सप्लेन करता है ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी किसने दी थी, एल्डफर ने, ओके। सो देखिए सर्वाइवल किससे रिलेट करता है आपका, देखिए अगर हम ईआरजी की फुल फॉर्म देखें तो इसके अंदर होता है आपका एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ, ओके। अब देखिए आप इसको मैच करेंगे, सो देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये एक सिनोनिम्स हैं। देखिए सर्वाइवल को आप किससे रिलेट कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस से, रिलेशन को किससे रिलेट कर सकते हैं, रिलेटेडनेस से, और पर्सनल डेवलपमेंट को किससे रिलेट कर सकते हैं आप, ग्रोथ से। सो आप देख सकते हैं कि इसी के सिनोनिम्स को यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म में देके आपसे पूछा गया कि ये कौन सी थ्योरी से बिलोंग कर रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स परचेस करना है सो वो भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइज़।